लेजेंड एक बार आता है। क्यों? लेजेंड एक बार आता है, वो उसकी अपनी क्लास है, धोनी की अपनी क्लास है, जो एक बार नाम बन जाता है। आप देखें विराट का नाम बना है, बाबर उसका नाम तो नहीं ना खराब कर सकता, अपना नाम बनाएगा, लेकिन लेजेंड एक बार बन जाता है, दोबारा दोबारा नहीं बनता। मुझे यही लगता है कि मतलब मेहनत की है उसने और अच्छा प्लेयर है वो, ठीक है, मेहनत करके ही वो मतलब इंग्लैंड के अगेंस्ट इतना खेल सका, ठीक है, और टीम भी इंडिया की बेस्ट है, बुरी भी नहीं है इतनी। मेरा आज सवाल भी ना क्रिकेट से रिलेटेड ही है। मेरा सवाल ये है कि आज इंग्लैंड और इंडिया का मैच था, ठीक है, और वहाँ पर जसवाल जो उसका प्लेयर है, काफी अच्छा प्लेयर है, उसने 179 स्कोर किए हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं, अच्छा प्लेयर, आईपीएल में भी देखते आ रहे हैं, उसे फेवरेट है, वो भी शुभमन गिल, वो भी अच्छा प्लेयर है, खुशी होती है जब साथ हमसाये को देखते हैं, अच्छा प्लेयर है वो भी। लेकिन अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच है तब तो नहीं खुश होगे? तब जाहिर सी बात है, पाकिस्तान अपने मुल्क को सपोर्ट करना है, इंडिया भी आया लेकिन अपने कंट्री को सपोर्ट करने का ज्यादा मजा आता है। अच्छा, अगर आज का मैच देखा जाए तो जसवाल ने काफी अच्छा खेला है, ठीक है, और उसकी परफॉर्मेंस भी काफी शानदार है, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में जसवाल को एम एस धोनी का नाम दे दिया जाएगा? लेजेंड एक बार आता है। क्यों? लेजेंड एक बार आता है, वो उसकी अपनी क्लास है, धोनी की अपनी क्लास है, जो एक बार नाम बन जाता है। आप देखें विराट का नाम बना है, बाबर उसका नाम तो नहीं ना खराब कर सकता, अपना नाम बनाएगा, लेकिन लेजेंड एक बार बन जाता है, दोबारा दोबारा नहीं बनता। तो यानी कि जसवाल की अलग पर्सनैलिटी है और धोनी की अलग पर्सनैलिटी है, कह रहे हो? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, आपको धोनी पसंद है या जसवाल पसंद है? धोनी अपने टाइम में, रिसेंट टाइम में तो जसवाल ही अब चल रहा है, पहले धोनी पसंद था और अब जसवाल पसंद है, यानी कि जैसे जैसे लोग आते रहेंगे तुम्हारी पसंद बदलती जाएगी। जी बिल्कुल, वक्त के साथ बदलते जाओगे। इंडिया कहेगी बस लेजेंड पसंद है विराट, बस वो उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। विराट के अलावा कोई और नहीं पसंद? रोहित शर्मा भी तो कैप्टन है, क्यों नहीं पसंद? विराट की अपनी क्लास है। विराट, विराट की कोई क्वालिटी बता दो तुम्हें पसंद है। विराट की काफी क्वालिटी है, क्लास, एक बता दो। एटीट्यूड। एटीट्यूड किस सेंस में? एटीट्यूड अग्रेसिव, पॉजिटिव, वर्ल्ड मोस्ट पॉजिटिव एंड अग्रेसिव एथलीट्स में उसका नाम आता है। वैसे पसंद भी है, अच्छा क्रिकेटर है वो। अच्छा, जैसे अगर आज की परफॉर्मेंस देखी जाए तो इंडिया काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे, आगे भी देगा और दे भी रहा है, तो आपको क्या लगता है अगर पाकिस्तान के साथ कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तान का साइम अयूब है, तो आपको क्या लगता है कि इससे हमें उम्मीदें लगानी चाहिए या नहीं? साइम भी बहुत अच्छा बैट्समैन है, जसवाल भी, लेकिन जैसे जैसे प्लेयर को मौका मिलता जाएगा वैसे वैसे प्लेयर अपनी परफॉर्मेंस दिखाएगा, और मौके की सारी बात है, इंडिया ने कहां से उसको उठा के कहां पे ले आए हैं, अब पाकिस्तान को भी चाहिए कि अपने प्लेयरों को मौका दे और वो भी ऊपर आएंगे। तो यानी कि पाकिस्तान वाले मौका नहीं देते? बिल्कुल ऐसे ही है। क्यों नहीं देते? ये तो अब उनको पता होना चाहिए ना, तुम मैच खेलते इतना तुम्हें पता होना चाहिए ना, प्लेयरों को ऊपर लाना चाहिए, ये बस लोबियां बैठी हुई है सारी क्रिकेट के पीछे, जो पर्ची लगाता है वही आगे आता है, पर्ची भी काम चल रहा है यानी कि। हां जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अगर पाकिस्तान और इंडिया कंपेयर किया जाए तो अगर देखा जाए तो इंडिया में काफी टैलेंट आ रहा है, न्यू पाकिस्तान में भी आ रहा है, लेकिन इंडिया में जो टैलेंट आ रहा है ना उसको खेलने का मौका भी दिया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में तो खेलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? इस बार पीसीबी को चाहिए ना कि अपने नए प्लेयरों को ऊपर लेके आए, टैलेंट है पाकिस्तान में लेकिन ऊपर नहीं लेके आया। पाकिस्तान में कोई न्यू जो है प्लेयर का नाम बताओ? ख्वाजा नाफे, इस बार आपको क्वेटा ग्लैडिएटर्स में खेलते भी नजर आएंगे, पीएसएल में, अच्छी क्लास है वो, यानी कि उसको खेलने नहीं दिया जा रहा, खेलने दिया जा रहा है, मौका मिल रहा है, लेकिन अब इस बार पीएसएल में कुछ प्लेयर ऐसे भी होते हैं जिनको सिलेक्ट कर लिया जाता है पीएसएल में लेकिन मौका नहीं दिया जाता। अब पिछली बार टेबल के कर्नल जाहिद भी थे इधर, हाँ जी, उनको भी नहीं मौका दिया गया, T10 में वो करते हैं बॉलिंग, अच्छा बॉलर है वो भी, उसे भी मौका देना चाहिए। अच्छा, लास्ट पे क्या मैसेज देना चाहते हो इंडियन टीम को? इंडियन टीम को कांग्रेचुलेशन, और हम खुश होते हैं उनको देख के भी, लेकिन अपने मुल्क को भी सपोर्ट करते हैं, मुबारकबाद देना चाहेंगे जसवाल को। मुझे यही लगता है कि मतलब मेहनत की है उसने और अच्छा प्लेयर है वो, ठीक है, मेहनत करके ही वो मतलब इंग्लैंड के अगेंस्ट इतना खेल सका, ठीक है, और टीम भी इंडिया की बेस्ट है, बुरी भी नहीं है इतनी, और बस इतना। अच्छा, अगर बात की जाए जसवाल की बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है तो आपको ये नहीं लगता कि आने वाले वक्त में उसको मिनी एम एस धोनी कहा जाएगा? बिल्कुल कहा जाएगा, क्योंकि धोनी ने भी अपने वक्त पे बहुत अच्छा खेला है, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा प्लेयर रहा है अपने टाइम पे, इसको भी कहा जा सकता है। तो धोनी की ऐसी क्या खास क्वालिटी है जो आपको अच्छा लगता है? और बाकी हम इसको मिनी धोनी ना भी कहें, उसकी अपनी काबिलियत है, ठीक है, हर शख्स की अपनी अपनी होती है, जरूरी नहीं है कि हम उसको धोनी के साथ ही मिलाएं, वो अपना नाम बनाएगा, वो अपना नाम बना रहा है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अगर बात की जाए उसकी जसवाल की और पाकिस्तान के क्रिकेटर साइम अयूब की बात की जाए,
तो आपको क्या लगता है कि आने वाले फ्यूचर में हम साइम अयूब को जसवाल का नाम दे सकते हैं? मैंने आपको पहले मतलब वो उसकी तरह अच्छा खेल सकता है? हाँ खेल सकता है, अगर मतलब अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दे और तवज्जो से खेले तो कह सकते हैं। अच्छा, और अगर यही अगर कंपेयर किया जाए पाकिस्तान और इंडिया का, तो आपको ये नहीं लगता कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान भी अच्छा खेल पाएगा? जैसे इंडिया में टैलेंट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो आपको ये लगता है कि पाकिस्तान में भी टैलेंट आएगा? पाकिस्तान में टैलेंट है, बस हमारी कुछ गलतियाँ ऐसी हैं हमारी टीम की कि वो क्या गलती है, वो यूनिटी के साथ नहीं चलते, ठीक है ना। बाबर आजम गुड प्लेयर है, ठीक है, बस उनका ये है कि वो अपने आप पे डिपेंड रहते हैं और यूनिटी के मतलब एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। अगर एक टीम वर्क के साथ सपोर्ट करके चलेंगे तो फिर बहुत बेस्ट रहेगा पाकिस्तान ना इंडिया की निस्बत बहुत बेस्ट रहेगा। जी तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मैं मिलती हूँ आपके साथ अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए आप सबसे अल्लाह हाफ़िज़।